वेलकम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कमलेश्वर जी की कहानी दिल्ली में एक मौत। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब ना जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद जी की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर खोंच रही है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम हैं, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाजों से लग रहा है। ये आवाजें कानों में बस गई हैं। घर के हर हिस्से से आवाजें आ रही हैं। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला दिया है। उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पर पॉलिश कर रहा है। ऊपर सरदार जी मूछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। तिमंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। कोहरे में बसें दौड़ रही हैं, जूं जूं करके भारी टायरों की आवाजें दूर से नजदीक आती हैं और फिर दूर होती जाती हैं। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फोन की घंटी बज रही है और पिछवाड़े गली के से गुजरती हुई कुछ लड़कियां सुबह की शिफ्ट पर जा रही हैं। सख्त सर्दी है, सड़कें ठिठुरी हुई हैं और कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई भाग रही हैं। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही हैं। बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़े हुए बैठे हैं और कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं, बाहें पसारे, उनकी हथेलियों में कीले नहीं, बस की बर्फीली चमकदार छड़े हैं। पर ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी अभी पढ़ी है। इसी मौत की खबर होगी, अखबार में छपा है। आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। उनका शव कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज होते रोड से होती हुई पंचकुइया श्मशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी। और इस वक्त सड़क पर आती हुई यह अर्थी उन्हीं की होगी। कुछ लोग टोपियां लगाए और मफलर बांधे हुए खामोशी से पीछे पीछे आ रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है। कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है अर्थी के पीछे कुछ आदमी हैं। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाजा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है। यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया, जरा अपना आयरन देना। अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है, नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल ना खड़ा कर दे। मैं उसे फौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पैंट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवान चंद की मौत की खबर पढ़ी थी, मुझे हर क्षण यही खटका लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात ना कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे। तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा। अपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने उसे पुकारा, धर्मा कहाँ जा रहा है? सरदार जी के लिए मक्खन लेने, उसने वहीं से जवाब दिया। तो लगे हाथों लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है वे भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ और राहत मिली।
जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं है तो मेरा कोई सवाल ही नहीं उठता। अब दोनों का या वासवानी परिवार का ही सेठ दीवान चंद के यहाँ ज्यादा आना जाना था, मेरा तो 4-5 बार की मुलाकात भर थी। अगर ये लोग ही शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरा सवाल ही नहीं उठता। सामने बारजे पर मुझे मिसेज बासवानी दिखाई देती हैं। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफेदी और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद थी। गाउन पहने हुए वे निकली हैं और अपना जूड़ा बांध रही हैं। उनकी आवाज सुनाई पड़ती है, डार्क जरा मुझे पेल्ट देना प्लीज। मुझे और राहत मिलती है, इसका मतलब है कि मिस्टर बासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूर आर्य समाज पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाजा बंद कर लेना चाहता हूँ पर वह भीतर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने सुना दीवान चंद जी की कल मौत हो गई है? मैंने अभी अखबार में पढ़ा है, मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे न बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफेदी झलक रही है, वह शेव कर चुका है। वह आगे कहता है, भले अब आदमी थे, बड़े भले आदमी थे दीवान चंद। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी, इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? बस मशीन आने भर की देर है, आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। यह कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है, पर किया क्या जाए, 8-10 मशीनें मेरे थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी कह रहा है, भाई शुरू शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो दीवान चंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी, उन्हीं की वजह से कुछ काम धाम मिल गया था, लोग बहुत मानते थे उन्हें। फिर दीवान चंद जी का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं। तभी खिड़की से सरदार जी फिर से निकाल कर पूछने लगते हैं, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है? वक्त तो 9 बजे का था, शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए, वह कह रहा है और मुझे लगता है कि यह बात शव यात्रा के बारे में ही है। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तभी मिसेज वासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, मेरे ख्याल से प्रमिला वहाँ जरूर पहुँचेगी, क्यों डार्लिंग? पहुँचना तो चाहिए, तुम जरा जल्दी तैयार हो जाओ, कहते हुए मिस्टर वासवानी बारजे से गुजर गए हैं। अतुल मुझसे पूछ रहा है, शाम को कॉफी हाउस की तरफ आना होगा? शायद चला आऊं, कहते हुए मैं कंबल लपेट देता हूं और वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। आधे मिनट बाद ही उसकी आवाज फिर आती है, भाई बिजली आ रही है? मैं जवाब दे देता हूं, हाँ आ रही है। मैं जानता हूं कि वह इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है, इसीलिए उसने यह पूछा है। पॉलिश बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज की तरह अदब से आवाज लगाता है और सरदार जी उसे ऊपर पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और वह अपने नौकर को हिदायतें दे रहे हैं, खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भून कर लाना और सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता और ना उनके मन की चीज़ें ही पकाता है। बाहर सड़क पर कोहरा अभी भी घना है, सूरज की किरणों का पता नहीं है। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेहड़ी लाकर खड़ी कर ली है, रोज की तरह वह प्लेटें सजा रहा है, उनकी खनखनाहट की आवाज आ रही है। 7 नंबर की बस छूट रही है, सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले जा रहे हैं और क्यू में खड़े और लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। हर बार जब भी वह पैसे वापस करता है तो रेलगाड़ी की खनक यहाँ तक आती है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है और अर्थी अब कुछ और पास आ गई है। नीली साड़ी पहन लो, मिसेज वासवानी पूछ रही हैं। वासवानी के जवाब देने की घुटी घुटी आवाज से लग रहा है कि वह टाई की नॉट ठीक कर रहा है। सरदार जी के नौकर ने उनका सूट ब्रश से साफ करके हैंगर पर लटका दिया है और सरदार जी शीशे के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे हैं। अतुल मवानी फिर मेरे सामने से निकला है, पोर्टफोलियो उसके हाथ में है, पिछले महीने बनवाया हुआ सूट उसने पहना हुआ है, उसके चेहरे पर ताजगी है और जूतों पर चमक। आते ही वह मुझे पूछता है, तुम नहीं चल रहे हो? और मैं जब तक पूछूं कि कहाँ चलने को वह पूछ रहा है, वह सरदार जी को आवाज लगाता है, आइए सरदार जी अब देर हो रही है, 10 बज चुका है।
2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं कि वासवानी ऊपर से ही मवानी का सूट देखकर पूछता है, ये सूट किधर सिलवाया? उधर खान मार्केट में, बहुत अच्छा सिला है, टेलर का पता हमें भी देना। फिर वह अपनी मिसेस को पुकारता है, अब आ जाओ डियर। अच्छा मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम आओ। कहता हुआ वह भी मवानी और सरदार जी के पास आ जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है, लाइनिंग इंडियन है? इंग्लिश। बहुत अच्छी फिटिंग है। कहते हुए वह टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेज वासवानी बारजे पर दिखाई पड़ती हैं। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे है। उसके साथ कुछ आदमी हैं, एक दो कारें भी हैं जो धीरे धीरे रेंग रही हैं। लोग बातों में मशगूल हैं। मिसेज वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरती हैं तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं, और इससे पहले कि वे लोग बाहर जाएं वासवानी मुझसे पूछता है, आप नहीं चल रहे? आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, मैं कहता, पर दूसरे ही क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझसे वहाँ चलने कहाँ चलने को कहा है। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूँ कि ये चारों लोग घर से बाहर हो जाते हैं। अर्थी कुछ और आगे निकल गई है। एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी हो जाती है। चलाने वाले साहब शव यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बातें करते हैं और कार सर से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के साथ पीछे जाने वाली दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती हुई चली जाती हैं। मिसेज वासवानी और वे तीनों लोग टेस्टी टेंट की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देखता हूँ। मिसेज वासवानी ने फर कॉलर डाल रखा है और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दस्ताने पहने हैं, और वे चारों टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है और उसमें से खिलखिलाने की आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है। वासवानी आगे सड़क पर जाती अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहा है। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ, और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर पहुंच रही है। इन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकाल कर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। मुझे मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुंचा देते हैं और मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए हुए हैं और 7 आदमी साथ चल रहे हैं, 7वां मैं ही हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आदमी के मरते ही कितना फर्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवान चंद ने अपने लड़के की शादी की थी तो हजारों की भीड़ थी, कोठी के बाहर कारों की लाइन लगी हुई थी। मैं अर्थी के साथ साथ लिंक रोड पर पहुंच चुका हूँ। अगले मोड़ पर ही पचकुइयां शमशान भूमि है, और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है लोगों की भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं, औरतों की भीड़ एक तरफ खड़ी है, उनकी बातों की ऊंची ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं। उनके खड़े होने में वही लचक है जो कनॉट प्लेस में दिखाई पड़ती है। सभी के जोड़ों के स्टाइल अलग अलग हैं। मर्दों की भीड़ से सिगरेट का धुआं उठ उठ कर कोहरे में भुला जा रहा है, और बात करते हुए औरतों के लाल लाल कोट और सफेद दांत चमक रहे हैं और उनकी आंखों में एक गुरूर है। अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया गया है। एक खामोशी छा गई है। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ शव के इर्द गिर्द जमा हो गई है, और कारों के शोफर हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए अपनी मालकिनों की नजरों का इंतजार कर रहे हैं। मेरी नजर वासवानी पर पड़ती है। वह अपनी मिसेस को आंख के इशारे से शव के पास आने को कह रहा है, और वह है कि एक औरत के साथ खड़ी बात कर रही है। सरदार जी और अतुल मवानी भी वहीं खड़े हुए हैं। शव का मुंह खोल दिया गया है और अब औरतें मुंह फूल और मालाएं लेकर इर्द गिर्द रखती जा रही हैं। शोफर खाली होकर अब कारों के पास खड़े सिगरेट पी रहे हैं। एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुरसुराने लगती है और पीछे हट जाती है। और अब सभी औरतों ने रुमाल निकाल लिए हैं, उनकी नाकों से आवाजें आ रही हैं। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियां जलाकर शव के सिरहाने रख दी हैं। वे निश्चल खड़े हैं। आवाजों से लग रहा है औरतों के दिल को ज्यादा सदमा पहुंचा है। अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज निकालकर वासवानी को दिखा रहा है। मेरे ख्याल से वह पासपोर्ट का फॉर्म है। अब शव को भीतर शमशान भूमि के में ले जाया जा रहा है। बीट फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। शोफर उन्हें सिगरेट या तो पी ली है या बुझा दी है, और वे अपनी अपनी कारों के पास तैनात हैं। शव अब भीतर जा चुका है।
मातम कुर्सी के लिए आए हुए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाजें आ रही हैं। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ लोग रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी घना है। सड़क से बसें गुजर रही हैं और मिसेज वासवानी कह रही हैं, रोमिला ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी स्वीकृति में सिर हिला रहा है। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही हैं और बाय बाय की कुछ एक आवाजें निकाल रही हैं। कारें स्टार्ट होकर जा रही हैं। अतुल मवानी और सरदार जी भी रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ गए हैं और मैं खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहीं से सीधा काम पर निकल जाता, लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई है और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरह वे भी यूं ही चले आए हैं। उन्होंने जाकर जरूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो ये भी तैयार होकर आते। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई ही है और मैं शव यात्रा में शामिल भी हुआ।